आशा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों आज है 6 जून 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो, एक बेटरमेंट फील हो आपको इस करंट अफेयर्स के सेक्शन से। आप जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ से रिवीजन करेंगे वो पीडीएफ में आप देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 6 जून को। अच्छा, ये डे किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो लेवल होता है, जो ट्रेन का ट्रैक होता है, उस पर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो ये सिग्नल होते हैं, तो वो जो लेवल होता है उसको लोग बहुत ही क्या कहते हैं कि उतना ध्यान नहीं देते हैं, और इस तरह से गलती करते हुए क्या करते हैं, लेवल को पार कर लेते हैं, और इस कारण से इंडिया में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जिसके लिए ये डे को मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर हो सके और इस तरह की गलती को ना दोहराए। ठीक है, ट्रैक पर चलना, ट्रैक के आसपास चलना, फिर ट्रेन आ रही है या जा रही है तो लेवल को क्रॉसिंग करे, वो भी सावधानी पूर्वक, है ना, जब इस तरह के सिग्नल गिरे हो तो लेवल को क्रॉस नहीं करना है। इस तरह के अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे 6 जून को। तो दोस्तों ये है 6 जून, और जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं और जो भी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं हम उसको रिवीजन करते हैं अपने वीडियो में। देखिए 1 जून को कौन सा डे मनाया गया था, तो 1 जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे, और उसी दिन कौन सा डे मनाया गया था, वर्ल्ड मिल्क डे, और उसी दिन मनाया गया था ग्लोबल पेरेंट्स डे। ठीक है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल पेरेंट्स डे, ठीक है, उसी दिन मनाया गया था 1 जून को। बात करते हैं 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कल के दिन में मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसका थीम क्या रहा था, इसका थीम रहा था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो आपको ये थीम भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में थीम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछे इससे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये मनाया गया 5 जून को, जिसका कि थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, और 6 जून को तो ये इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। और 3 जून को कौन सा डे मनाया गया, तो 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। ठीक है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया गया। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला प्लांट, सीमेंट प्लांट बनाने की योजना किस कंपनी की है? तो देखिए आप, हिडलबर्ग सीमेंट जो कि जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, जर्मनी की कंपनी है, और ये जो है CO2 कार्बन को कैप्चर करने वाला न्यूट्रल सीमेंट प्लांट जो है बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, और ये 2030 तक ये हिडलबर्ग सीमेंट ये प्लांट बना लेगा, ऐसा इसने एक प्लान बनाया है जो कि 2030 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बात करते हैं हिडलबर्ग सीमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हिडलबर्ग सीमेंट का हेडक्वार्टर है हिडलबर्ग, जो कि जर्मनी का एक सिटी है, और इसके फाउंडर कौन थे, तो जोहान फिलिप फ्रेडेकर, ठीक है, इसकी फ्रेडेकर, तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, फाउंडर इसके कौन थे। चलिए हिडलबर्ग जो है ये वाला जो प्लांट है कहाँ पर बनाना चाह रहा है, तो स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में, अपने स्वीडन में बनाना चाह रहा है, इसकी योजना बना रहा है स्वीडन में बनाने की, स्वीडन, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बेलग्रेड ओपन किसने जीता, ये टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों, बेलग्रेड, जिसे कि सर्बिया ओपन भी कहा जाता है, सर्बिया ओपन भी कहा जाता है बेलग्रेड ओपन को, ठीक है, सर्बिया ओपन, तो बेलग्रेड ओपन को जीत लिया है नोवाक जोकोविक के द्वारा, और ये सर्बिया के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, सर्बिया के ही खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। अभी इन्होंने हाल ही में एक और टूर्नामेंट जीता था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, मेन सिंगल 2021 वाला जो मेन सिंगल का खिताब इन्होंने ही जीता, उसके बाद जो अभी बेलग्रेड ओपन इनके द्वारा जीत लिया गया, ये इसका 83वां खिताब है। ठीक है, 83वां टाइटल बोल सकते हैं या फिर खिताब बोल सकते हैं टेनिस टूर्नामेंट का।
तो आपको इसको याद रखना है कि नोवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन यानी कि सर्बिया ओपन को जीत लिया है। हराया किनको? हराया इन्होंने एलेक्स मोलकेन को, एलेक्स मोलकेन को जो कि स्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं, इनको हराया, एलेक्स मोलकेन को हराया इन्होंने और बेलग्रेड ओपन को जीत लिया। चलिए आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये नितिन राकेश और जेरी बिंड की एक बुक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बुक का नाम याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि संकट के समय में भी आप अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से फला फुला सकते हैं, किस तरह से फलीभूत कर सकते हैं, उसके सारे ट्रिक्स पैटर्न, उसके सारे जो बातें दी गई हैं वो इस बुक में दी गई हैं, और इस कारण से इस बुक को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये किसकी बुक है? नितिन राकेश और जेरी बिंड की, जेरी बिंड की। तो आपको याद रखना है, नितिन राकेश और जेरी बिंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं आप देख रहे होंगे निखिल श्रीवास्तव को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो निखिल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में माइकल एंड सीला हेल्ड प्राइज दिया गया था, माइकल एंड सिला हेल्थ प्राइज 2021 इन्हें दिया गया। तो वही बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को कौन सा सम्मान दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किन्होंने जीता है? देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता है डेविड डॉयप ने, ठीक है, डियोप, डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो डेविड डियोप हैं, इनको कि ये फ्रांस के हैं, और किस बुक के लिए इन्हें मिला है? तो देखिए, इनको मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एट नाइट, ये बुक्स भी पूछ लिया जाता है ना, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, किसी ना किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है डेविड डियोप को, ठीक है, डेविड डियोप को किस बुक के लिए, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। अच्छा, ये जो अन्ना मॉस्कोविस है, ये जो अन्ना मॉस्कोविस है, ये कौन है? तो इस बुक की, डेविड डियोप ने जो बुक लिखा है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, इसके ट्रांसलेटर है, ठीक है, फ्रेंच भाषा में इस बुक को ट्रांसलेट किया है। और ये जो बुकर प्राइज होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है, इस ये किस लैंग्वेज के बुक को ये प्राइज देता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए बुक को ही ये क्या करता है, प्राइज देता है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, पहले इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज कहा जाता था, मैन बुकर प्राइज कहा जाता था, जो कि अब जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, इस प्राइज की शुरुआत 2005 में की गई थी, ठीक है। और ये बताना है आपको कि फर्स्ट में जो 2005 में इसकी शुरुआत की गई, इस बुक को, इस प्राइज को किसने जीता था। वहीं बात करते हैं 2020 की जो विनर रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, उनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल, ठीक है, तो इनको मिला था 2020 वाला बुकर प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसकी कौन सी बुक है, तो इनकी बुक है, ठीक है, आपको इन सारे फैक्ट को याद रखना है, इनकी बुक है डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, ठीक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। और ये जो माइकल हसियन है, ये इसकी ट्रांसलेटर थी। आपको इसे याद रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मैन बुकर प्राइज पहले कहलाता था, और 2005 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, डेविड डियोप को इस बार मिला है। चलिए, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो जो कि एयर चीफ, जो एयर मार्शल है, तो इनको में विवेक राम चौधरी, यहाँ आप देख रहे होंगे विवेक राम चौधरी, इनको IAF इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले, इनसे पहले कौन थे वाइस चीफ एयरफोर्स के, तो ये थे हरजीत सिंह अरोड़ा को ये रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये पहले थे, और अब कौन बन गए,
विवेक राम चौधरी। बात करते हैं वहीं पर कि विवेक राम चौधरी के जगह पर, ये कहीं से आए होंगे ना, पोस्ट पोस्ट कहीं पर खाली हुआ होगा, तो ये जहां पर थे तो वो बल्लभ राधा कृष्णन उनका स्थान लेंगे। बल्लभ राधा कृष्णन जो कि पश्चिमी कमांड के, दिल्ली में जो पश्चिमी कमांड है उसके कमान को ये बल्लभ राधा कृष्णन संभालेंगे। आरकेएस भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के क्या है, चीफ हैं। आरकेएस भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। तो आपको इन सारे फैक्ट को यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्वमित्री रिवर प्रोजेक्ट किस राज्य की परियोजना है। विश्वमित्री रिवर प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात की परियोजना है, ठीक है, गुजरात की परियोजना है। और ये अभी न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अभी अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को क्या किया है, मंजूरी दे दिया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के तहत इस रिवर को, विश्वमित्री रिवर को क्या किया जाएगा, साफ सफाई इसका किया जाएगा। इसमें जो जीव जंतु रहते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह है ना, और भी जो जलीय जीव रहते हैं उनके रखरखाव पर ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा, इसके चारों ओर जो है कि वृक्ष लगाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है विश्वमित्री रिवर प्रोजेक्ट, बहुत ही गंदा हो गया तो इसकी गंदगी भी साफ करने के लिए ये प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, विश्वमित्री रिवर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ की है, गुजरात के बड़ोदरा में, तो वहीं पर ये गुजरात की है। चलिए गुजरात की बात आती है तो गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी साहब। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये भी आपको याद रखना है, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सीएम है अशोक गहलोत। तो वहीं पर यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र आपको याद रखना है, कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। वहीं उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी फागू चौहान ही हैं, और आनंदीबेन पटेल ही हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, आदित्यनाथ। तो ये हो गई बात, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, विश्वमित्री रिवर प्रोजेक्ट गुजरात की परियोजना है जिसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो बात करेंगे एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी हेड कौन है, तो एके गोयल यानी कि आदर्श कुमार गोयल इनके क्या है, चेयरपर्सन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन अभी आदर्श कुमार गोयल हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेज प्रोग्राम और पोर्टल। सेज मतलब, सेज प्रोग्राम का मतलब होता है कि सीनियर केयर। देखिए सेज पोर्टल जो है, प्रोग्राम और पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखिए सेज क्या होता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। यह है सेज प्रोग्राम और पोर्टल। तो इस पोर्टल को थावरचंद गहलोत, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए बात करते हैं वहीं पर, ये सेज प्रोग्राम और पोर्टल किन के लिए है, तो देखिए जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, इनकी सहायता, इनके मदद के लिए क्या करेंगे, ये पोर्टल पर सारे कुछ अवेलेबल होंगे। और क्या होगा, इस प्रोग्राम के थ्रू वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी, उनका देखभाल किया जाएगा, और इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ये सेज पोर्टल। अच्छा, ये जो थावरचंद गहलोत हैं, ये सोशल एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, सामाजिक ये क्या बोलते हैं, सशक्तिकरण के मिनिस्टर हैं, सोशल एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। तो बात करते हैं वहीं पर डीवी सदानंद गौड़ा, तो आपको बताना है डीवी सदानंद गौड़ा किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, आपको बताना है क्योंकि मैंने अपने वीडियो में ये सब करवा चुका। अब देखिए रमेश पोखरियाल निशंक जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वहीं पर प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मिनिस्टर हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, बाल स्वराज पोर्टल ये जो है किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, इसके द्वारा बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के थ्रू क्या किया जाएगा, तो देखिए अभी कोविड महामारी चल रहा है, तो कोविड महामारी के चलते जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो बच्चे कोविड महामारी से क्या हो गए हैं कि हताहत हो गए हैं, अफेक्टेड हैं, और कोविड-19 से प्रभावित किसी भी तरह से जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए ये बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, और NCPCR के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और अभी जो है इसके चेयरमैन
एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो आपको इसे भी याद रखना है, प्रियांक कानूनगो। एजुकेशन मिनिस्ट्री के चेयरमैन कौन है तो रमेश पोखरियाल। फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के चेयरमैन मिनिस्टर कौन है तो वो हैं हर्षवर्धन जी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर कौन है तो स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए यहाँ से ये बात हो गई। बात करते हैं नाबार्ड द्वारा उड़ीसा में कितनी राशि प्रदान की गई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो 254 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा में, ठीक है, ये याद रखना है। नाबार्ड के द्वारा 254 करोड़ रुपया क्या किया गया है, सैंक्शन किया गया है ताकि उड़ीसा में पेयजल की आपूर्ति हो पाए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई कमी ना रहे इसके लिए। तो उड़ीसा में, तो वही बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के जो गवर्नर सीएम है वो है नवीन पटनायक, आपको गवर्नर वहां का बताना है। बात करते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, ये बैंक है, ठीक है, क्योंकि रूरल और एग्रीकल्चरल वाले डिपार्टमेंट में ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ये पूछा जाता है इसीलिए आपको बताया जा रहा है, तो आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी जो चेयरमैन है, ठीक है, नाबार्ड के जो चेयरमैन है अभी कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला। ये भी याद रखना है आपको, गोविंद राजुलू चिंताला। तो दोस्तों ये रहा आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको अगर हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अगर इस वीडियो के पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं डेली बेसिस पर सारे करंट अफेयर्स। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आपको जितने भी फैक्ट्स बताए जाते हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के ये याद रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा कल आपसे 7 बजे, और आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चल तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में नए करंट अफेयर्स।